मसरक थाना क्षेत्र के डुमरसन गांव में गुरुवार की देर शाम अनियंत्रित पानी बेचने वाले पिकअप ने दरवाजे पर बैठे 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों द्वारा आनंद फान में इलाज के लिए मसरक PSC में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम मृत बच्चे की पहचान डुमरसन बाजार निवासी मोहम्मद हुसैन के 2 वर्षीय पुत्र रेहान बाबू के रूप में हुई है। वही घायल की पहचान अहमद हुसैन की 40 वर्षीय पत्नी समीमा बेगम और इजहार हुसैन के 4 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इस्खार के रूप में हुई। मृत बच्चे के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अकबर अली खान डुमरसन पंचायत। आज हमारे डुमरसन पंचायत में एक बच्चा का एक्सीडेंटल हत्या हो गया। इसकी सूचना 5:10 में हमको मिला। मैं घटनास्थल पर जब पहुंचा तो गाड़ी और ड्राइवर दोनों पकड़े गए थे गांव के लोगों के द्वारा, और जो लोग घायल थे उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसरक में लाया गया। यहाँ से पुलिस तत्पर होकर के घटनास्थल पर पहुँची और गाड़ी और ड्राइवर को अंडर कस्टडी में लेकर के अपने थाने पहुंचे और इलाज उचित इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा में रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने के क्रम में बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके कारण नामजद अभियुक्त ड्राइवर चालक अनिल तिवारी। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम रेहान बाबू। पिता अहमद हुसैन, ग्राम डुमरसन, थाना मसरक, जिला छपरा के। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।